हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग कुर्ती की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से लॉन्ग कुर्ती की कटिंग करी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ से नीचे की तरफ लंबाई नापेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग कुर्ती की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। तो यहाँ पर हमें लंबाई रखनी है 37 इंच और 1 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे। ठीक है, तो 38 इंच पर हमें निशान लगाना है। नीचे की तरफ हम 1 इंच का ही मार्जिन लेंगे क्योंकि ये कुर्ती हमारी तुरपाई वाली नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 1 इंच का ही मार्जिन लिया है। अगर आप तुरपाई करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको 2 इंच का मार्जिन लेना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें गला बोटनेक में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी शोल्डर की चौड़ाई 13 इंच है, तो 13 को आधा करेंगे तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ से आरमोल की लंबाई नापेंगे। तो आरमोल की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच पर हम आरमोल की गुलाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 16 इंच है, तो 16 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर, और एक निशान हमें हिप के लिए लगाना है 14 इंच पर। तो अगर आप लॉन्ग कुर्ती बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 14 इंच पर ही निशान लगाना है। ठीक है, और अगर नॉर्मल कुर्ती बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 12 या 13 इंच पर निशान लगाना है। तो अब हम यहाँ पर कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। और हिप की चौड़ाई भी हमें 16 इंच रखनी है, तो 16 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे और साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ चलेंगे और जो हमारा नीचे का घेर है उसको भी हम 16 इंच रखेंगे, तो 16 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे और साइड में हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे क्योंकि चाक हम कम फोल्ड करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी रेडीमेड कुर्ती में चाक फोल्ड होते हैं उसी तरीके से हम इसमें भी फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच का ही मार्जिन लिया है। तो इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर हमें बी सेंटर पर कट लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। ठीक है, जो कपड़े की बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हमें अच्छे से रखना है। दोनों को मिलाते हुए ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पल्ले को रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो आगे वाले पल्ले पर हमारी आरमोल की गोलाई 1 इंच थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आरमोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है इस तरह से। और साइड में हमें सेम निशान लगाना है नीचे तक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान को लगा लिया है।
अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो इसको रखते हैं साइड में और बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए पहले हम यहाँ पर नाप लेते हैं कि किस तरह से हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है, यहाँ से यहाँ तक हमें बाजू की चौड़ाई नापनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी बाजू की जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच आ रही है। तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच की बाजू कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को लिया है, इसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमारी जो बाजू है वो हम हाफ बाजू बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कपड़े को सीधा कर लेना है और यहाँ पर हमारी जो बाजू की लंबाई है वो 11 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से बाजू की गुलाई करेंगे। और जो हमारी बाजू की चौड़ाई है वो 7.5 इंच है, तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हमारी जो बाजू की मोरी है वो हमने रखी है 9 इंच, तो 9 को आधा करेंगे तो 4.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। कंधे से कोनी तक की आपको लंबाई नापनी होती है, ठीक है, हाफ बाजू के लिए। यहाँ पर हमें 20 सेंटर पर कट लगा देना है। फिर हम यहाँ पर बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड 1/2 इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है और इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमारे पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग हो गई है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने लॉन्ग कुर्ती की कटिंग करना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं विनती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।